हरदा ब्लास्ट सरकार और सिस्टम की लापरवाही का एक नमूना भर है। इस घटना के विरोध में हरदा से कांग्रेस विधायक बम की माला पहने नजर आए। उनका कहना है इस कांड की जांच एसआईटी से करवाई जाए। सरकार की नाकामी और भ्रष्ट सिस्टम की भेंट न जाने कितनी जिंदगियां चढ़ गईं। हरदा कांड करप्ट सिस्टम की ही देन है। नियमों को ताक पे रखकर कैसे एक अधिकारी इस बारूद का बम बने कारखाने को चलाने की इजाजत अपनी मनमर्जी से दे देता है। प्रशासन की नाकामी का ये मामला विधानसभा में भी उठा। हरदा ब्लास्ट के बाद कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोग ने प्रतीकात्मक विरोध के लिए सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की है और सरकार पर मृतकों की संख्या को छुपाने का आरोप भी लगाया। सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे, कमिश्नर क्या कर रहे थे, वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था जिस थाने में है? सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए। थाने के पास में ही फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशियंट नहीं। ट्रांसफर करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया, कई के पिताजी चले गए, किसी का लड़का चला गया, कोई बूढ़ी माँ बची है, तो इस सबको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए। 4 लाख में होगा क्या? कुछ बगैर संरक्षण के चल सकता क्या? आप बताइए, सत्ताधारी नेता या मंत्री के बगैर संरक्षण के कोई काम हो सकता है क्या? वहाँ हरदा में खुला जुआ सट्टा बिक रहा है, शराब बिक रही है, किराने की दुकानों पे शराब मिल रही है, इस तरह की पूरी गतिविधियां हो रही है। और 2 महीने से मैं विधायक बना हूँ, तब से मैं चिल्ला रहा हूँ, मैंने गांधी जी के सामने धरना भी दिया, वहाँ सब चीजें करना है, इसके बाद भी वहाँ जूनी रेंग रही थी और ये इतनी बड़ी घटना हो गई है। इसके लिए मैंने पहले भी गांधी जी के सामने धरना भी दिया था कि इनको सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ये गतिविधियां अनैतिक गतिविधियां बंद हो, पर नहीं हो रही थी। अभी सट्टा जुआ भी बड़ा खुल के चल रहा है वहाँ, खुला, और दारू भी बिक रही खुली, और ये घटना, ये फैक्ट्री खुली चल रही थी, ये देख लो ये घटना हो गई आपके सामने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।